देखिए, डीएमएफ निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जिस जिले में खनन होगी और उस जिले के लोगों के विकास के लिए ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के माध्यम से डेवलपमेंट का काम होगा, तो निश्चित रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो कि लेकिन ये और भी महत्वपूर्ण तब हो सकता है जब इसमें हम लोग ग्राम सभा को केंद्रित करते हुए हम लोग काम करें। माइंस डेवलपमेंट रूल्स में डीएमएफ का प्रोविज़न है ये तो हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन क्या है कि इसका जो गाइडलाइन कैसा होगा, डीएमएफ कैसा होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग ये तय कर सकते हैं कि उसका हम लोग विकास का जो काम है, हम लोग किस तरीके से हम लोग बेहतर तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, कि ताकि ये खनन प्रभावित जो इलाका है उस इलाके के लोगों का उत्थान हो सके। निश्चित रूप से ये तो एक जहाँ जिस ज़िले में सबसे ज़्यादा जो खनन हो रही है या जिस ज़िले में खनन हो रही है, निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को केंद्रित करके ही बना है। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का जो लाभ होगा, निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को जो खनन से प्रभावित है, खनन प्रभावित लोगों को मिलेगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी माइंस होगा तो उसका भी एक उम्र होगा, चाहे वो 30 साल का होगा, 40 साल का होगा, लेकिन हम लोग को ये देखने की ज़रूरत है कि हम लोग खनन प्रभावित समुदाय को और उस ज़िले के अंतर्गत जो भी मतलब पिछड़े हुए लोग हैं उनको हम लोग कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसको हम लोग ऐसा नहीं कि फिर वो किसी के ऊपर में डिपेंडेंट रहे, कोई आए तब जाके कोई काम होगा, उसको हम लोग आत्मनिर्भर किस तरीके से बना सकते हैं, इस पर ज़्यादा मुझको लगता है फोकस करने की ज़रूरत है। इसका निश्चित रूप से मुझको लगता है जो भी प्रभावित लोग हैं उस समुदाय के लोगों का तो भूमिका होना ही चाहिए। और निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि अब डीएमएफ के बारे में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी तक खनन प्रभावित समुदायों को डीएमएफ के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसका जानकारी हम लोग कैसे लोगों को हम लोग बता सकते हैं, और डीएमएफ का जो इम्पोर्टेंस है उसको हम लोग किस तरीके से बता सकते हैं, ताकि वो भी इसमें अपना भागीदारी सुनिश्चित कर सके। और इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए कि इसका डीएमएफ का जो फंड होगा वो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसका सदुपयोग किस तरीके बेहतर तरीके से होना चाहिए, इसको लेकर मुझको लगता है कि लोगों का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और निश्चित रूप से लोग जब अवेयर होंगे तो उसमें वो अपना भूमिका को स्थापित कर सकते हैं।